हाय गाइस, वेलकम टू एएम लाइफस्टाइल। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज जो है वो मैं लेकर आई हूँ मेरे बर्थडे के गिफ्ट्स अनबॉक्सिंग का व्लॉग। क्यों? क्योंकि जो मैंने पहले किया था उसमें जो है वो क्लियरली नज़र नहीं आए थे, तो जब मैंने व्लॉग को देखा तो मैंने सोचा कि मुझे दोबारा से जो है वो अनबॉक्सिंग करनी चाहिए सारे गिफ्ट्स की। अब गिफ्ट्स जो हैं वो आप लोगों के सामने, उस टाइम तो मैंने जो है वो गिफ्ट पेपर से खोल लिए थे, तो जो है इस वजह से जो है वो गिफ्ट पेपर के अंदर तो नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या है और करीब से दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि उसमें क्या क्या चीज़ें थीं। सबसे पहले जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर क्या है। इसके अंदर है ये देखिए, ये मग है। अब ये मग जो है ये आपने पहले, जिन्होंने नहीं व्लॉग देखा वो भी देखें, मेरी बर्थडे वाला व्लॉग, और उसमें जो है ये मुझे दिया था बाजी ने, मुस्कान बाजी ने। और ये जो है ये एक नहीं है, ये 6 पीसेस हैं, लेकिन जो है वो ये ओपन कर लिया हमने और ये वॉश कर दिए थे आज, तो इसकी वजह से जो है वो मैं पूरा जो है बॉक्स में डाल के नहीं लाई क्योंकि वो वेट थे। तो ये 6 पीसेस है। ये हमारे पास जो है ये वाला साइज़ नहीं था, हमारे पास जो कॉफ़ी मग होते हैं ना उतना साइज़ था, तो ये वाला साइज़ नहीं था, तो ये अच्छा जो है वो साइज़ है और 6 पीसेस हैं इसमें, तो बहुत ही अच्छा गिफ्ट है, बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू मुस्कान भाजी वंस अगेन टाइम। दूसरा जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला, ये मामा की फ्रेंड ने, आंटी ने दिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। पहले ही आपको दिखाई है लेकिन आप करीब से दिखाती हूँ। ये देखें, ये हैं कड़े, बहुत ही खूबसूरत कड़े हैं, बहुत ही हमें उस टाइम भी अच्छे लगे थे, और आप लोग भी देखें बहुत ही खूबसूरत है, यूनिक चीज़ है, बहुत अच्छे लगे मुझे। थैंक यू आंटी वंस अगेन टाइम। इसको रख देते हैं अंदर। अब निकालते हैं मेरी पुप्पो और पुप्पा की तरफ से गिफ्ट्स, ये भी और ये भी, ये दोनों जो हैं ये मेरी पुप्पा और पुप्पो की तरफ से हैं। मैं आपको दिखाती हूँ पहले स्मॉल वन, इसके अंदर है ज्वेलरी। ज्वेलरी में ये है माला, ये है माला, और ये है ब्रेसलेट, और ये पूरा सेट है, और इसके साथ ही ये जो है ये है इयररिंग्स, ये इयररिंग्स, ये माला, चेक करें, और ये ब्रेसलेट, बहुत ही खूबसूरत है, ये मुझे बहुत ही अच्छे लगे हैं। थैंक यू दी मामा। अब उनका एक दूसरा गिफ्ट है वो खोलते हैं, ओपन करते हैं। ये बैग है, ये देखें करीब से, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ओपन करके भी आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखिए, ये ओपन करके जो है इसके अंदर जिप वाली पॉकेट भी है, और इसके ये स्ट्रैप्स भी हैं, जिस तरह मर्जी आप जो हैं इसको कैरी कर सकते हैं, या तो आप इधर से कैरी कर लें या आप स्ट्रैप लगा के तो शोल्डर बैग इसको बना लें, बहुत ही खूबसूरत है। थैंक यू सो मच। इसको बाहर रखते हैं, इसको बंद कर देते हैं, और हाँ जी, एक और गिफ्ट है मेरी भाभी की तरफ से, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सो
स्टे ट्यून, वेट कीजिएगा, मैं अभी आई। जी गाइस, तो मैं आ गई हूँ और एक की जगह दो गिफ्ट्स लेके आई हूँ। इसको हम जो हैं वो इधर साइड पे कर देते हैं, बल्कि नहीं, नीचे रख देती हूँ ताकि आपको क्लियरली मैं दिखा सकूँ। ये जो है ये मेरी भाभी की तरफ से है, ये देखिए। ये बहुत ही प्यारा जो है ये कुर्ता है, जो मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ एक और गिफ्ट। जो के मेरी सिस्टर की तरफ से है, ये देखिए। ये कितना खूबसूरत बैग है। अब पहले मैं ना, मेरे पास ज्वेलरी बहुत 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 ज़्यादा होती थी, क्योंकि मुझे जो है वो गिफ्ट ज़्यादा ज्वेलरी के मिलते थे। तो जो है वो अब मुझे बैग ज़्यादा मिल रहे हैं, हैंड बैग्स, मतलब कि साइज़ बिल्कुल, और साइज़ भी बहुत अच्छे होते हैं। मुझे बहुत बड़े जो बैग्स हैं वो बहुत बुरे लगते हैं यूज़ करने, मुझे समझ ही नहीं आती इतना बड़ा बैग में क्या बंदा कैरी करे, ठीक है। क्योंकि जो लड़कियां होती हैं वो अपना मेकअप वगैरह कैरी करती हैं सारा कुछ, बट मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है मेकअप वगैरह इतना ज़्यादा। दैट्स वाई जो है वो मैं इतना प्रेफर करती हूँ या तो ऐसा बैग या ऐसा बैग। ऐसा बैग जो है इतना मुझे मतलब पसंद है। और गाइस, मैंने सारों के गिफ्ट्स तो दिखा दिए हैं, लेकिन एक मैंने जो गिफ्ट है वो नहीं आप लोगों को बताया, कि जो पार्टी थी वो मेरी मदर ने, मामा ने की थी, और बहुत ही मज़ा आया था। इतना प्यारा गिफ्ट उन्होंने मुझे ये दिया, और खाना भी जो था वो सारा उन्होंने प्रिपेयर किया था, इतने यमी खाना था, और बड़ा ही जो है वो अच्छा लगा। पार्टी भी बड़े मज़े की थी, खाना भी बड़े मज़े का था, और व्लॉग में आपने देखा ही है कि जो है वो चावल भी कह रही हैं कि थोड़े कच्चे रह गए हैं, और आपको दिखाया भी था मैंने कि वो ही प्रिपेयर करनी थी फूड को। तो जो है बहुत अच्छा लगा कि सारा फूड उन्होंने प्रिपेयर किया, और उन्होंने ही जो है वो सारी प्रिपरेशंस वगैरह पार्टी की भी की, तो बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू मामा, थैंक यू, थैंक, लव यू। तो गाइस, उम्मीद है आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और गिफ्ट्स अनबॉक्सिंग भी अच्छी लगी होगी। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को इनमें से कौन सा गिफ्ट जो है वो सबसे अच्छा लगा। वैसे तो मुझे तो सारे ही गिफ्ट्स जो हैं बहुत ही अच्छे लगे, तो आप लोग भी बताइएगा आप लोगों को कौन सा गिफ्ट सबसे अच्छा लगा। और जो है इसी के साथ, जिन्होंने सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर नहीं किया वो भी कर दें, और कमेंट ज़रूर किया करें, ताकि जो है वो हमें पता चले हम कि कौन कौन हमारे व्लॉग्स को देखता है, पसंद करता है, और आप लोगों को पसंद आ भी रहे हैं कि नहीं। ये भी लिखा करें कि जो आपको नहीं पसंद आता उसको नीचे कमेंट किया करें कि ये हमें नहीं पसंद आया या ये चीज़ पसंद नहीं आई, और जो पसंद आता है उस पर लिखा करें कि ये पसंद आया, ताकि हम उसके थ्रू जो है और बेटर आपके लिए लेके आ सकें, या जो आपको अच्छा लगे वैसा व्लॉग आपके लिए लेके आ सकें। तो गाइस, इसी के साथ अगले व्लॉग में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।